hard to breathe, but that's alright. सकता और दूर आपसे, मुझे पता है समायरा आपकी बेटी नहीं है, वो आपकी ट्विन सिस्टर की बेटी है। आई लव यू मिस जिन। आपको ये सब कैसे पता? आपको क्या तेओ और चिमना ने बताया है? नहीं, आप जब ये सब बातें उनको बोल रही थी तब मैं दूर से आपकी बातें सुन रहा था। आप टेंशन मत लीजिए, समायरा को कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो हमारी बेटी नहीं है। बट मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। समायरा सिर्फ मेरी बेटी है और मैं उसे छोड़कर नहीं रह सकती। मैंने आपको छोड़ने के लिए कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना ही कहा कि वो आपकी बेटी नहीं है, ये सब किसी को पता नहीं चलेगा। बट मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जब समायरा को पता चलेगा कि उसकी मम्मी उसके पापा को छोड़ के किसी और के साथ रह रही है, तब उस पे क्या बीतेगी? ओके, समायरा अपने पापा को कभी देखा है? नहीं। तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उसका पापा नहीं हूँ? क्या मतलब है आपका? मिस जिन, आपको मैं दिल से प्यार करता हूँ, टाइम पास के लिए नहीं। आप भी मेरी है और आपसे जुड़ा हुआ हर चीज मेरा है। समायरा आज से सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ। थैंक यू सो मच। बट जब हमारे बच्चे होंगे, मुझे डर है कि मैं समायरा को इग्नोर ना कर दूं। तो हम बच्चे नहीं करेंगे, समायरा तो है ना हमारी बेटी। जीन मैम, say yes। Say yes। आप आ गए? Yes my love। Please Miss Jin, please accept me। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं तो आपको टेस्ट करने के लिए बच्चों के बारे में बोल रही थी। तो मैं टेस्ट में पास हुआ या फेल हुआ? आप 110% पास हो गए हैं। I love you. Yeah, I love you too. Thank you, Miss Jin. आप enjoy कीजिए, हमारा तो काम खत्म हो गया, अब हम चलते हैं। Thank you, Miss Jimin. Thank you, Miss Tae. By the way, आप सिंगर मिन योंगी है ना? हाँ। आप यहाँ कैसे? मुझे यहाँ मेरी क्यूट चिमिना ने बुलाए थे और मैं आपको सपोर्ट करने के लिए आया था। थैंक यू सर। नहीं, आप मुझे सर क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपसे छोटा हूँ, तो आप मुझे योंगी बुला सकते हैं। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, अब हम चलते हैं। ओके, और कंग्रेचुलेशन एंड ब्लेसिंग्स फॉर योर न्यू लाइफ विद मिस्टर मिन योंगी। थैंक यू एंड सेम टू यू। ओके सर, मैं अभी चलती हूँ, कंग्रेचुलेशन। हाँ, थैंक यू मिस ते। फिर जिमिना, योंगी और ते बाहर आ जाते हैं। ते, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं तो मैं कहाँ उदास हूँ, मुझे पता है तू जंगकुक सर को मिस कर रही है। बट डोंट वरी, वो जल्दी आ जाएंगे। मैं जंगकुक सर को मिस क्यों करूँगी, इतनी भी भोली मत बन। ओके चल मेरे साथ, मैं तुझे घर पे ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। यार चल ना। नहीं तो जाना और एंजॉय कर, मुझे थोड़ा काम है, मैं काम खत्म करके ही घर जाऊंगी। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो कैसे घर जाएगी? अरे यार मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, डोंट वरी, तू जाना जल्दी। सच में तू अकेले जा सकती है ना? हाँ बाबा जा अभी, एंजॉय, बाय बाय। ओके देख के जाना और घर पे पहुँच के मुझे कॉल कर देना। ओके मेरी माँ, मैं सब कर दूंगी, बाय, जा अभी। ओके बाय। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी हार्ट में कुछ मिसिंग है, कोई अपना मुझसे बहुत दूर चला गया है, मुझे ये सब क्यों फील हो रहा है? शायद मम्मी और सनशाइन से दूर रहने की वजह से ये सब फील हो रहा होगा। अदर साइड जंगकुक कोरिया आ जाता है और सीधे ते के घर पे जाता है। यहाँ तो दरवाजा बाहर से लॉक है, कहाँ चली गई? उसके नेबर से पूछता हूँ। हाँ बोलिए। यहाँ किमते रहती थी, अब
बता सकते हैं वो कहाँ गए हैं? वो तो ये घर छोड़ के जा चुके हैं। कहाँ चले गए? वो तो नहीं बता सकता, बट वो एक लड़की के साथ गए थे, इतना पता है। लड़की के साथ? कौन है ये लड़का? क्या इस लड़के की वजह से ही तुम मुझे इग्नोर कर रही थी? क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं, थैंक यू। फिर जब कुक अपने घर चला आता है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ सनशाइन, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। तू ऑफिस क्यों जा रही है, रेस्ट लेना घर पे? नहीं सनशाइन, मुझे काम करना अच्छा लगता है। हाँ बट तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे घर में रहना चाहिए। रुक मैं जंकू को कॉल करके बोल देता हूँ, तू अब ऑफिस नहीं जाएगी। नहीं सनशाइन, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। नहीं मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ, मैं अभी जंकू को कॉल करता हूँ। नहीं सनशाइन रुकिए, बट जेहो कुछ भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। हेलो जंकू, सुन ते अब कुछ दिन के लिए ऑफिस नहीं आएगी। क्यों और ते कहाँ पे है? वो तो मेरे घर पे है, तुझे पता है उस समय याद आ गया। वाओ थैंक गॉड वो तेरे घर पे है, मैं तो बहुत डर गया था। डोंट वरी वो ठीक है, और अगर तू उससे मिलना चाहता है तो मेरे घर पे आ जा। नहीं मैं कल सुबह जाऊंगा, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। और ती को आई लव यू बोल देना, और उसका थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। उसका भैया हो शायद, और तू उसके भाई के सामने आई लव यू बोल रहा है, उसे मार के रख दूंगा तुझे। के मार डालना कल सुबह, अब तो मुझे सोने दे। बाय गुड नाइट। हाँ हाँ बाय गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। God bless you, take care, surrender।